आज हम धनिया की एक एकड़ खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। धनिया के लिए सही समय, धनिया के लिए मिट्टी, धनिया में कितनी लागत आती है, एक एकड़ में कितना बीज लगता है, तो सभी प्रकार की जानकारी आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज बी खेती। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं समय की, तो धनिया की खेती सभी समय पर की जा सकती है। बस ध्यान रखना है, एक तो ज्यादा बारिश ना हो और ज्यादा टेम्परेचर ना हो आपके क्षेत्र पर। तो दोस्तों आप अपने क्षेत्र के अनुसार धनिया की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है खेत की तैयारी की, तो एक से दो गहरी जुताई करवाकर जमीन को भुरभुरा कर लें, तो इसमें करीबन हमारा 1500 रुपए का खर्च आता है। करते हैं खाद और उर्वरक की, तो धनिया की एक एकड़ खेती के लिए एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, इसकी 50 किलो की कीमत 450 रुपए हो जाती है, और एक 4 किलो का माइक्रोराइजर ले लेंगे कोई भी अच्छी कंपनी का, इसकी कीमत भी 450 रुपए हो जाएगी। तो टोटल खाद उर्वरक में हमारा 900 रुपए का खर्च आ गया। अब बात करते हैं बुआई की, तो एक एकड़ में धनिया 10 से 12 किलो बीज जाता है। आप कोई भी कंपनी का बीज का चुनाव कर सकते हैं। एक किलो बीज की कीमत 250 से 300 रुपए में मिल जाती है। तो एक एकड़ में 10 किलो बीज लगेगा तो हमारा 10 किलो बीज 2500 रुपए का हो जाता है, और हमारा बुआई में खर्च पैंटा लगाने और धनिया बोने में करीबन 800 रुपए का खर्च आ जाता है। तो टोटल खर्च आ गया 3300 रुपए का। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, जैसे ही हम पैटा लगाते हैं और पानी बगाएं, तो इसमें ध्यान रखें कि 24 घंटे के अंदर आप इसमें ऑक्सीक्लोरोपेन एक दवा आती है, उसका 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवा दें बुआई के तुरंत बाद। ये नहीं कि आप धनिया का अंकुरण हो गया तब आप उसका स्प्रे करोगे, तो उसका यदि अंकुरण होने के बाद स्प्रे करोगे तो धनिया मर जाएगा। तो ध्यान रखें कि 24 घंटे बाद आप ऑक्सीक्लोरोपेन 100 ml का स्प्रे करवा दें। अब बात करते हैं मजदूरी की, तो इसमें करीबन हमको यूरिया डालने और अन्य कार्यों में हमको 2000 रुपए की मजदूरी लग जाती है। अब बातें हैं धनिया की हार्वेस्टिंग की, तो करीबन हमको हार्वेस्टिंग में 2000 रुपए का खर्च आ जाता है और ट्रांसपोर्टिंग में भी 2000 रुपए का खर्च आ जाता है। टोटल हमको लागत आ गई 10200 रुपए की। अब उत्पादन की बात करते हैं, एक एकड़ में धनिया का 35 से 40 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। 35 × 100 करेंगे तो 35000 केजी हो जाएगा। 35000 केजी को यदि 12 रुपए में हम मार्केट में बेचते हैं तो 42000 रुपए का होता है। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है और आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके एरिया में भी कोई व्यापारी हो तो डायरेक्ट खेत के खेत खरीद लेते हैं। तो हमारा खर्च आया था 10200 रुपए, हम 42000 रुपए में से 10200 माइनस कर देंगे तो हमको 31800 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नीरज की खेती। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।